गाइज, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरस से होने वाले रोगों के रोगजनक के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए और मैं आपको समझाता हूँ कि भैया ये रोगजनक क्या होता है, ये पैथोजन क्या होता है। हेडिंग क्या लगाओगे? वायरस से होने वाले रोगों के रोगजनक। देखिए भैया, सबसे पहले समझते हैं कि रोगजनक होता क्या है। भाई रोगजनक के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं रोगजनक होता क्या है। देखिए, रोगजनक को मैंने दो भागों में बांट लिया। एक है बेटा जनक और एक है रोग। जनक का मतलब होता है बेटा जन्म देने वाला, और रोग का मतलब होता है बेटा रोग, या आप कह सकते हो बीमारी। तो जिसने बीमारी को जन्म दिया है वो होता है बेटा रोगजनक, या मैं कह सकता हूं कि जो रोग को जन्म देता है वो होता है रोगजनक। और इसी ही रोगजनक को कहा जाता है बेटा इंग्लिश में पैथोजन। और ये यहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर बाद में आएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो रोग को जन्म देता है वो होता है रोगजनक, और रोगजनक को इंग्लिश में कहा जाता है पैथोजन। जैसे कि टीबी एक बीमारी है बेटा, और ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, यानी कि ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। अब ये किस बैक्टीरिया से होती है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है एमटीबी। एमटीबी का फुल फॉर्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से भैया आपको टीबी होती है। तो टीबी का पैथोजन क्या हो गया? एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो या तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि टीबी के बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया बताना है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया टीबी के रोगजनक का नाम क्या है, टीबी के पैथोजन का नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है बेटा एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। क्योंकि टीबी एक बैक्टीरिया से होती है और इसी बैक्टीरिया के कारण तो आपको टीबी हुई है, इसलिए बेटा आप कह सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो वायरस होता है, ये जो प्रोटोजोआ होता है, ये सभी बेटा क्या होते हैं? ये सभी बेटा पैथोजन होते हैं, यानी कि ये सभी ही रोगजनक होते हैं। जैसे कि कोई कवक के कारण कोई बीमारी है तो भैया फंगल भी क्या हो जाएगा, या फंगस भी क्या हो जाएगा बेटा? पैथोजन हो जाएगा, रोगजनक हो जाएगा। तो या तो आपसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि मैंने बताया कि टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होती है, या फिर गाइज आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि टीबी किस पैथोजन से होती है, यानी कि किस रोगजनक से होती है। तो बात एक ही है गाइज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरस से होने वाले रोगों के रोगजनक के बारे में। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, एड्स। आपने एक बीमारी सुनी होगी एड्स, जो कि एक बेटा वायरस डिसीज है, वायरस डिसीज का मतलब क्या है? विषाणु जनित रोग है, यानी कि ये ऐसा रोग है बेटा जो विषाणु के कारण होता है, जो वायरस के कारण होता है। और एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एचआईवी वायरस के कारण होता है। ये एड्स जो होता है बेटा, ये एचआईवी वायरस के कारण होता है। तो एड्स का वायरस कौन हो गया बेटा? ये एचआईवी। तो भैया इसी एड्स का ये एचआईवी ही भैया क्या है? पैथोजन है, ये इसका भैया रोगजनक है।
अब यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ एक दो एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में भैया यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं, हम ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर की 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी है इससे पहले। ये 14वें नंबर की क्लास है, इतनी बात क्लियर है। और अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, कोलेरा, लेप्रोसी, सिफिलिस, इन सभी बीमारियों के बारे में गाइज मैं आपको पढ़ा चुका। अब गाइज हम पढ़ रहे हैं वायरस डिसीज, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियां। सबसे पहले मैंने गाइज वायरस से होने वाली बीमारियों में वायरस के बारे में आपको बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, और गाइज ये वायरस से होने वाले रोगों की तीसरी क्लास है और इस चैप्टर की 14वीं क्लास है, जिसमें आज मैं आपको बता रहा हूं कि वायरस से होने वाले रोगों के रोगजनक यानी कि पैथोजन के नाम। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वायरस कहने का मतलब ये वायरस से होने वाली जो बीमारियां कहने का मतलब वायरस से होने वाली ये जो बीमारियां है वो किस वायरस से होती है। एक्चुअली में मैं आपको वायरस के नाम बता रहा हूं जो जिसके कारण आपको आपके शरीर में बीमारी होती है, बस ये समझ लीजिए। अब मैं बताता हूं गाइज कि यहां से भैया किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है भैया कि चेचक रोग का कारण है या चेचक रोग का कारण है, ये क्वेश्चन पूछा था भैया आपसे एसएससी 2009 में, और भैया आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि चेचक रोग किसके कारण होता है। इस चेचक रोग को कहा जाता है बेटा स्मॉल पॉक्स, या फिर हिंदी में कहा जाता है इसे बड़ी माता भी कहा जाता है। इसके बारे में हम इसी क्लास में सीखने वाले हैं। एक मैं आपको बैक्टीरिया को उदाहरण देता हूं, प्लेग का नाम सुना है, प्लेग जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ यानी कि काली मौत कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपसे, इसके पैथोजन का नाम पूछा गया था कि प्लेग के रोगजनक का नाम क्या है, के रोगजनक का नाम क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भैया। ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया यूपीपीसीएस की जो एग्जाम होती है ना उसमें। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया जो टाइफाइड डिसीज है यानी कि जो टाइफाइड रोग है उसके रोगजनक का नाम क्या है, या फिर टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम क्या है। आपसे पूछ लिया कि जो पोलियो होता है उस पोलियो के वायरस का नाम क्या है, रेबीज के वायरस का नाम क्या है, न्यूमोनिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सभी बेटा रोगजनक तो है, ये सभी पैथोजन तो है। और गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, वायरस से होने वाले रोगों के रोगजनक के बारे में, यानी कि वायरस के बारे में, यानी कि पैथोजन के बारे में। गाइज मैंने आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ा दिए हैं, तो वहां पर भी मैंने आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के रोगजनक पढ़ाए थे, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब करते हैं गाइज आज की क्लास। अब तक मैंने आपको इतना बता दिया है कि यहाँ से हमारे एग्जाम में भैया क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, मैं जो बायोलॉजी पढ़ाता हूं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाता हूं, इसलिए किसी भी चैप्टर को जाकर आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एक बार देखो तो सही कि आपको कंटेंट कैसा दिया जा रहा है। एक क्लास पूरी लेना भैया, लेकिन ये मेरी शर्त है, अगर आप एक क्लास पूरी लेते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ पर कंटेंट किस तरह का दिया जाता है। अब करते हैं गाइज आज की क्लास की शुरुआत। आशा करता हूं यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए भैया, अब सबसे पहले हम वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखेंगे, और उसके साइड में बेटा हम बरोबर से लिखते जाएंगे रोगजनक के नाम, यानी कि पैथोजन का नाम, या फिर मैं कह सकता हूं कि वायरस का नाम जिसके कारण बेटा आपको वो बीमारी होती है। सबसे पहले
नंबर एक पर बात करते हैं बेटा एड्स। एड्स जो रोग है बेटा ये एचआईवी वायरस के कारण होता है। किसके कारण? एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है बेटा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये भैया एड्स का, ये एड्स का वायरस है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एड्स का वायरस का नाम क्या है तो एचआईवी वायरस है और एचआईवी की फुल फॉर्म होती है बेटा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एड्स के रोगजनक का नाम क्या है तो भी आपको आंसर यही देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एड्स के रोगजनक का नाम क्या है तो भी आपको आंसर यही देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एड्स के वायरस का नाम क्या है तो भी आपको आंसर यही देना है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा डेंगू की। डेंगू की, डेंगू एक वायरस से होने वाला रोग है। डेंगू एक वायरस से होने वाला रोग है और किस वायरस से होता है तो उस वायरस का नाम है बेटा आरबो वायरस, आरबो वायरस। तो याद रहे बेटा डेंगू का पैथोजन, डेंगू का रोगजनक और डेंगू का वायरस कौन है? आरबो वायरस। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए भैया, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो रोग है बेटा ये भी एक वायरस से होने वाला रोग है और इसका जो वायरस है बेटा वो है भैया चिकनगुनिया ही, नाम सेम है चिकनगुनिया वायरस। लेकिन आपको याद रखना है ये जो चिकनगुनिया वायरस है इसका जो जीनस है, इसका जो वंश है, उस वंश का नाम होता है बेटा एल्फा वायरस। तो ये एल्फा वायरस बेटा आपसे आपकी एग्जाम में पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया है तो याद रहे भैया ये स्टेट पीसीएस की एग्जाम में पूछा गया है। ये स्टेट पीसीएस की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया जो चिकनगुनिया वायरस है उसके वंश का नाम क्या है, तो एल्फा वायरस है। ये स्टेट पीसीएस की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चिकनगुनिया वायरस से होने वाली एक बीमारी है जिसके वायरस का पैथोजन का है या फिर बेटा रोगजनक का नाम क्या है, तो चिकनगुनिया वायरस है। और चिकनगुनिया वायरस के वंश का यानी कि जीनस का नाम पूछे तो बता देना भैया एल्फा वायरस है। इतनी बात क्लियर है? नंबर चार पर हम बात करने वाले हैं बेटा येलो फीवर, जिसे आप आम भाषा में पीला बुखार भी कहते हैं। इसका जो वायरस होता है वो होता है बेटा फ्लेवी वायरस। तो याद रहे येलो फीवर से पीला बुखार कहते हैं, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है और इसका अगर आपसे पैथोजन पूछे, रोगजनक पूछे या फिर बेटा वायरस पूछे तो आपको आंसर देना है फ्लेवी वायरस। इतनी बात क्लियर है? आगे बात करते हैं नंबर पांच पर बेटा आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स और छह पे आता है भैया स्मॉल पॉक्स। याद रहे बेटा इस स्मॉल पॉक्स को ही चेचक रोग कहा जाता है, जो बेटा एसएससी 2009 में और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसे ही बेटा बड़ी माता भी कहा जाता है, इसे ही बड़ी माता भी कहा जाता है। और जो चिकन पॉक्स है बेटा इसे कहा जाता है भैया छोटी माता। अब इनके वायरस का नाम क्या है तो दोनों सेम सेम से हैं। एक का नाम है बेटा वेरिसेला, एक का नाम है वेरिसेला, एक का नाम है वेरिसेला वायरस और एक का नाम है बेटा वेरी ओला वायरस। देखिए जो चिकन पॉक्स है सी से स्टार्ट हो रहा है तो बेटा छोटी माता कहते हैं इसे और आप देख सकते हो इसके वायरस में सी आ रहा है वेरी सेला और स्मॉल पॉक्स में बेटा वेरी ओला आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। स्मॉल पॉक्स को चेचक रोग भी कहा जाता है, बड़ी माता भी कहा जाता है। तो स्मॉल पॉक्स से चेचक रोग के अगर वायरस का नाम पूछे, पैथोजन का नाम पूछे या फिर रोगजनक का नाम पूछे तो वेरियोला वायरस है भैया। और जो चिकन पॉक्स है इस चिकन पॉक्स के पैथोजन का, रोगजनक का या फिर वायरस का नाम पूछे तो वेरिसेला आपको आंसर देना है। याद रहे बेटा ये जो चेचक रोग है ये आया था भैया अभी मैंने बताया एसएससी 2009 में और बेटा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। बोलो भैया
मैं कह रहा हूं ना गाइस, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में, यकीन मानिए मेरा। नोट्स बनाकर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक साथ कहीं नहीं मिलने वाली। छह बीमारियां हो गई। सातवीं पर बात करते हैं बेटा, मीजल्स, मीजल्स। और आठवीं है बेटा एक जर्मन मीजल, एक जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स। ये दोनों के जो वेक्टर, सॉरी, दोनों का जो पैथोजन है बेटा, दोनों का जो रोगजनक है, दोनों का जो वायरस है बेटा, वो होता है मीजल्स का रूबेला, रूबेला वायरस। इन दोनों बीमारियों का वायरस का नाम क्या है बेटा? इन दोनों बीमारियों के वायरस का नाम है भैया रूबेला वायरस। या फिर आप जर्मन मीजल्स का जो वायरस है इसके आगे जर्मन लगा सकते हो, तो जर्मन रूबेला वायरस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो मीजल्स के पैथोजन का रोगजनक का नाम क्या है? रूबेला वायरस। और जर्मन मीजल्स के पैथोजन रोगजनक या वायरस का नाम क्या है? तो रूबेला वायरस है। आशा करता हूं बेटा यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। मैं हट जाता हूं बेटा, एक बार फिर से आप ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके अच्छा कंटेंट। बोलो भैया, यहां तक किसी को कोई परेशानी? एड्स के पैथोजन का नाम, रोगजनक का नाम, या फिर वेक्टर का नाम, सॉरी वेक्टर का नहीं, वायरस का नाम एचआईवी वायरस है। डेंगू के पैथोजन का नाम, रोगजनक का नाम, या वायरस का नाम आरबो वायरस है। चिकनगुनिया का चिकनगुनिया वायरस है। येलो फीवर का फ्लेवी वायरस है। चिकन पॉक्स का वेरिसेला वायरस है। और स्मॉल पॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, चेचक रोग का जो वायरस है बेटा उसका नाम है वेरिओला वायरस। मीजल्स और जर्मन मीजल्स का रूबेला वायरस। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मिटा देता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। कितनी बीमारियां हो गई? आठ हो गई। आगे बात करते हैं। अब आप ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भैया आप खा खा के रहने वाले हो और खा खा से हमारी वीडियो देखते हो, बता दीजिए भैया। और आप किस किस की तैयारी कर रहे हो ये चीज भी बता दीजिए। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, हर रोज में कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन, जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है या फिर बेटा आगे पूछे जाने की संभावना है, वो क्वेश्चन करवाता हूं बेटा। और उस क्वेश्चन का आंसर आपको हर रोज देना है, सुबह सुबह जल्दी ही मैं पोस्ट अपलोड कर देता हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दिया करो, कमेंट बॉक्स में भी बताया करो कि भैया आपका आंसर सही था या फिर गलत था, ठीक है? उससे क्या होगा? उससे ये होगा भैया कि बायोलॉजी के जो बेहतरीन क्वेश्चन है उन पर आपकी नजर होगी, और अक्सर वो ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए कम्युनिटी पोस्ट में जो भी पोस्ट डालता हूं उसका आंसर जरूर दिया करो। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, चैनल को खोला करो और चैनल में भैया जो ऑप्शन आते हैं जैसे वीडियो का, शॉर्ट वीडियो का, कम्युनिटी पोस्ट का, तो वहां पर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख लिया करो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आठ बीमारियां हमने पढ़ ली थी भैया, आठ पढ़ ली थी ना, ओके। नौ नंबर पर बात करते हैं। नौ नंबर पर आता है बेटा हीपेटाइटिस, हीपेटाइटिस। हीपेटाइटिस जो बीमारी है बेटा, इसके वायरस का सेम नाम है, हीपेटाइटिस वायरस, हीपेटाइटिस वायरस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हीपेटाइटिस डिसीज है इसके पैथोजन का, रोगजनक का, या फिर वायरस का नाम क्या है, तो हीपेटाइटिस वायरस है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो हीपेटाइटिस है ये विभिन्न भागों में बटा हुआ है, जैसे कि हीपेटाइटिस ए डिसीज, हीपेटाइटिस बी डिसीज, हीपेटाइटिस सी डिसीज, हीपेटाइटिस डी डिसीज, हीपेटाइटिस ई डिसीज। यहां तक तो बेटा पहले से ही था, लेकिन अब हीपेटाइटिस एफ डिसीज भी आ गया है। तो इसका जो पैथोजन होगा, इसका जो वायरस होगा, वो कैसे होगा? जैसे कि हीपेटाइटिस ए डिसीज है, तो उसका पैथोजन क्या होगा, उसका वायरस क्या होगा? हीपेटाइटिस ए वायरस ही होगा भैया। जैसे मैं लिख के बताता हूं, जैसे कि भैया ये है हीपेटाइटिस ए डिसीज, डिसीज गलत तो नहीं लिख दिया,
डिसीज की स्पेलिंग क्या है? हिपेटाइटिस। यार बोलो डिसीज की स्पेलिंग भूल गया मैं भैया, एक मिनट रुको यार। हाँ हिपेटाइटिस ए डिसीज। जैसे मान लीजिए बेटा ये एक बीमारी है हिपेटाइटिस ए डिसीज, तो भैया इसका जो वायरस होगा वो क्या होगा? वो होगा बेटा हिपेटाइटिस ए वायरस। इसी तरीके से बी का होगा, इसी तरीके से सी का होगा, इसी तरीके से डी का होगा, इसी तरीके से ई का होगा। तो मुख्य रूप से पांच प्रकार का होता है हिपेटाइटिस, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं हिपेटाइटिस बी से। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा ये वायरस से होने वाले रोग एक एक करके, तब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे भैया हिपेटाइटिस बी के बारे में भी। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? ओके भैया, अब बात करते हैं 10 पर। 10 पर आता है बेटा जेनाइटल हर्पस। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसका पैथोजन रोगजनक या वायरस क्या होता है? तो इसका होता है भैया हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। वायरस बोलो भैया, यहां तक कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? हिपेटाइटिस का हिपेटाइटिस वायरस हो गया, और बात करें बेटा जेनाइटल हर्पस का हर्पस सिंप्लेक्स वायरस हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं भैया। देखिए भैया इतनी बात क्लियर है? ओके आगे बात करते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर पर आता है भैया निपाह डिसीज, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और निपाह डिसीज कह सकते हो या फिर इसे निपाह फ्लू भी कह सकते हो इस बीमारी को बेटा, निपाह फ्लू। और इसका वायरस क्या है भैया? तो इसका वायरस होता है निपाह वायरस। निपाह वायरस, इस निपाह फ्लू बीमारी का वायरस या पैथोजन या फिर रोगजनक क्या होगा बेटा? निपाह वायरस होगा। और बात करते हैं जैसे कि 12वें नंबर पर आता है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू का वायरस क्या है, पैथोजन क्या है, रोगजनक क्या है? तो H1N1 वायरस है। अब ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है भैया, 12वां और 13वां यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्ड फ्लू का वायरस क्या होगा? तो H5N1 वायरस होगा भैया। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है भैया, और आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, डायरेक्ट आपको भैया ये दे देगा H1N1 वायरस दे देगा, और पूछ लेगा कि इस वायरस का संबंध किस बीमारी से है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्वाइन फ्लू आए तो H1N1 वायरस है, और बर्ड फ्लू आए तो H5N1 वायरस है। पैथोजन रोगजनक का नाम बेटा एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतने अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। नोट्स बना लेना बहुत काम की चीज है, और चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया जरूर। ओके आगे चलते हैं 14 पर आता है भैया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फ्लू, ये भी एक फ्लू ही है। फ्लू का मतलब होता है बेटा ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसमें मुख्य रूप से सर्दी में जुखाम के लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे वो निपाह फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, या इन्फ्लुएंजा फ्लू हो। तो इसका वायरस भी बेटा इन्फ्लुएंजा ही है, इन्फ्लुएंजा वायरस। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 15 की। 15 पर आती है भैया पोलियो, और इस पोलियो का वायरस क्या है? तो इसका वायरस है भैया पोलियो वायरस कह सकते हो आप, या फिर बेटा पोलियो माइलेटिस, माइलेटिस वायरस कह सकते हो। और इसके जीनस का नाम भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है भैया एंट्रोवायरस। इसके जीनस का नाम क्या है? एंट्रोवायरस है। इसके वंश का नाम क्या है बेटा? एंट्रोवायरस है। दिख नहीं रहा, कैमरे को थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए भैया। अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो पोलियो के वायरस का नाम क्या है, पोलियो के पैथोजन का नाम क्या है, पोलियो के रोगजनक का नाम क्या है? पोलियो वायरस या पोलियो माइलेटिस वायरस। और इस पोलियो माइलेटिस वायरस के जीनस यानी कि वंश का नाम क्या है? एंट्रोवायरस है भैया। इतनी बात क्लियर है? और बात करते हैं 16 पर रेबीज। रेबीज रोग होता है बेटा ये पागल कुत्ते या फिर बिल्ली, चमगादड़, बंदर,
चमगादड़ तो नहीं है, बंदर वगैरह है, जैसे कि कुत्ता बिल्ली बंदर इनके काटने से होता है, ठीक है। और इसके वायरस का नाम क्या है बेटा, इसके वायरस का नाम होता है रेबडा या फिर रेबडो वायरस या फिर रेबडो वायरस। रेबडा हो सकता है या फिर रेबडो वायरस हो सकता है भैया, रेबडा हो सकता है या फिर रेबडो वायरस हो सकता है भैया, बताओ। यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया, ओके। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो रेबीज होता है, इस रेबीज के पैथोजन का नाम या इस रेबीज के रोगजनक का नाम क्या है, तो रेबडा या रेबडो वायरस होता है, या फिर इस रेबीज के वायरस का नाम क्या है, तो रेबडा वायरस या फिर रेबडो वायरस हो सकता है। सत्रहवां पर आती है भैया मम्प्स, मम्प्स क्या भैया, मम्प्स। और मम्प्स का वायरस क्या होता है, तो मम्प्स का होता है पेरा माइक्जो वायरस। पेरा माइक्जो वायरस जो होता है बेटा, इसी वायरस के कारण आपको मम्प्स या गलसुआ रोग होता है, मम्प्स या फिर गलसुआ रोग होता है भैया, किसके कारण, पेरा माइक्जो वायरस के कारण। तो मम्प्स का पैथोजन या रोगजनक क्या है बेटा, पेरा माइक्सो वायरस है। इतनी बात क्लियर है, ओके। 18 नंबर पर बात करते हैं कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड का मतलब होता है साधारण जुखाम, और बेटा इस कॉमन कोल्ड के वायरस का नाम क्या है, तो रिहेनो है भैया, रिहेनो वायरस क्या है भैया, रिहेनो वायरस है भैया, रिहेनो वायरस है भैया, कॉमन कोल्ड के वायरस का नाम, पैथोजन का नाम या फिर आप कह सकते हो रोगजनक का नाम। इतनी बात क्लियर है। एक बीमारी और है बेटा 19 नंबर पर इबोला, इस इबोला का इबोला ही वायरस होता है, तो इबोला का इबोला ही वायरस होता है। और नंबर 20 पर एक बीमारी और होती है बेटा सार्स, और इस सार्स का भैया सार्स वायरस ही होता है। सार्स की फुल फॉर्म होती है बेटा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सार्स की फुल फॉर्म होती है भैया, ठीक है। तो ये भी, ये सभी इंपॉर्टेंट है बेटा वैसे देखे जाए तो जितनी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं बेटा वायरस से होने वाली, उन सभी बीमारियों के रोगजनक पैथोजन या वायरस के नाम गाइज में आपको लिखवा चुका। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से इन सभी पैथोजन को नाम, इन सभी पैथोजन के यानी कि रोगजनक या फिर वायरस के नाम याद करोगे, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है बेटा, बस सिंपल सा एक फंडा है कि जो नाम है बेटा अधिकांश बीमारियों के रोगजनक या फिर पैथोजन का नाम बेटा सेम वायरस का नाम है। जैसे कि हिपेटाइटिस है तो बेटा हिपेटाइटिस वायरस सेम है, जैसे कि जेनाइटल हर्पस है बेटा, तो जेनाइटल हर्पस का हर्पस आ रहा है और सिंप्लेक्स वायरस है, निपाह का निपाह वायरस है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू आपको याद रखना है बेटा, इन्फ्लुएंजा का इन्फ्लुएंजा वायरस है, सार्स का सार्स वायरस है, इबोला का इबोला वायरस है, कॉमन कोल्ड का रिहेनो वायरस है ये याद करना है, मम्प्स का पेरामाइक्जो वायरस है ये याद करना है, रेबीज का रेबडा या रेबडो वायरस है ये याद करना है, पोलियो का पोलियो वायरस या पोलियोमाइलिटिस पोलियोमाइलिटिस, कहने का मतलब मिलता हुआ शब्द मिल जाता है अधिकांश आपको रोगजनक याद करने में, तो याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी आपको, आशा करता हूं। और आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने प्रूफ करके भी आपको बता दिया है और आपको दे भी दिया है प्रूफ भी भैया कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।